वालेकुम सना के पैदे में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबके दोस्त अंदर मैं मेरी फैमिली दोनों भी ठीक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल रवे के लड्डू और रवे की बर्फी। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताती रेसिपी। एक गिलास दूध लिया है, तो एक गिलास पानी लिया है और घी लिया है और ये बादाम है, काजू है और ये पिस्ता है और इनको टुकड़ों में भी कर लिया और बारीक बारीक भी कर लिया है। और ये केसर का दूध है जिसको मैंने गर्म दूध में भिगा के रखा है और एक कप रवा है, एक कटोरी रवा है और एक छोटा कटोरी शक्कर है और ये चांदी के जो वर्क आते वो हैं और ये इलायची के दाने हैं और ये खोया है और ये एसेंट है। ये खोया मेरा 50 ग्राम होगा। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले गैस खोलेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हमारा कढ़ाई गर्म होने लग गई है। गर्म होएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या करना है। फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच के आसपास घी। और घी के बाद अब इसी में डाल देंगे हम हमारी स्लो, पहले गैस की फ्लेम को स्लो कर लूँ, अब इसी में डाल दूंगी मैं हमारी ये सूजी और इसको हल्का सा भून लेती हूँ। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। इसको बस हल्का सा ब्राउन होने दूंगी, ज़्यादा नहीं। ये हमारे हो गए हैं लड्डू के लिए, हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे। इसे हमारे ऐसे भून चुके हैं तो हमने ये लड्डू के लिए थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे बर्फी के लिए। ये भी ब्राउन हो गया, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे प्लेट में। कढ़ाई खाली होगी, हमने निकाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच घी और थोड़े से काजू, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से बादाम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही थोड़ा डाला है। और इसमें डाल दूंगी थोड़े से इलायची के दाने। ये ऐसे में डालो ना तो इसका जो सौंधापन, जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने पाउडर नहीं डाला है, अगर आपके पास पाउडर है आप लोगों के पास तो आप लोग वो डालिएगा। ये हल्का सा ब्राउन हो गया है क्रंची टाइप में। और फिर इसमें डालूंगी 2 चम्मच केसर का दूध। बस आधा ग्लास दूध, देखिए बिल्कुल आधा ही ग्लास डाला है और आधा ग्लास रख दिया है। और आधा ग्लास डालूंगी इसमें मैं पानी, बिल्कुल आधा ग्लास पानी भी डाला है, आधा ग्लास दूध भी डाला है। इनको मैं अच्छे से ये करते हैं और इसमें डालेंगे हम आधी कटोरी शक्कर, बिल्कुल आधी डाली है। फ्रेंड्स, इसको मैं अब ढक के 5 मिनट दम दूंगी, एकदम स्लो गैस करती हूँ। इसमें केवड़ा डालना है मुझे, मैंने डाला नहीं था, भूल रही थी, इसके लिए वापस खोली हूँ। अब इसमें हम 2 से 3 बूंद केवड़े के डालेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ड्रॉप मैंने केवड़े के डाले हैं। अब इसको चला के दम दूंगी 5 मिनट। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं हमारी, ये भी हो गए रेडी। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको डब्बे में कैसे जमाना है। फ्रेंड्स, इसमें मैं बर्फी टाइप बनाऊंगी, तो इस डब्बे को मैंने हल्का सा घी लगा के पूरा ग्रीस कर लिया और इसमें डालेंगे हम ये ऐसे। मैंने 2 डब्बे लिए हैं, एक ये भी इसमें भी लगा दिया है घी, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड, और ये मैंने इसमें थोड़ा सा तो खोया डाला नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी, वापस होकर के थोड़ा सा खोया को ऊपर से डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर डब्बे में भरती हूँ बर्फी के लिए। मैंने मिक्स कर लिया है, अब डब्बों में डालती हूँ बर्फी बनाने की। फ्रेंड्स, मैंने दोनों में अच्छे से भर लिया है। देखो दिखा रही, इसमें हम डाल देंगे थोड़े से बाद काजू, थोड़ा सा पिस्ता
थोड़ा सा बादाम। अब लड्डू के लिए सेम कढ़ाई हुई है, अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन, बिस्मिल्लाह। और ये हल्की गर्म हो जाए तो इसमें डाल दूँगी घी। ये वैसे हल्की गर्म ही है, हाँ ये गर्म है, तो मैं इसमें डाल दूँगी घी। घी ज़्यादा नहीं डालूँगी, ये एक चम्मच है, क्योंकि ना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लड्डू बनेंगे नहीं, वो फूटने लगेंगे। ये हमने डाल दिया, इसको हमको ब्राउन नहीं करना है। अभी डालूँगी केसर का दूध और इसमें डाल दूँगी मैं शक्कर। अब इसको हम चलाएंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद डाल दूँगी मैं ये आधा ग्लास जो दूध बचा था ये, और पानी, पानी थोड़ा बचा लिया है, लगेगा तो हम डालेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया। इसको भी 5 मिनट के करीब दम दूंगी। इसको भी ऐसे चला के एकदम स्लो गैस पे मैं भी इसको 5 मिनट के लिए दम दूंगी। हो गए हैं, ये इस तरीके से हुआ है, अब इसको चला लेते हैं। ये हो गया, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको निकालेंगे प्लेट में। निकाल लिया प्लेट में, रूम टेम्परेचर में आने देंगे। अभी इसमें मैं खोपरे का बुरादा डालूंगी, जो आप लोग को दिखाया नहीं है, अभी डालूंगी तो दिखाऊंगी। 2 चम्मच मैंने खोपरे का बुरादा डाल दिया है, इस चम्मच से 2 बड़े चम्मच हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये मिला लिया, अब मैं इसके लड्डू बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इसको थोड़ा सा ऐसा होल करूँगी और इसमें डालूँगी खोया और बादाम, काजू और पिस्ता। अब इसको ऐसे अंदर अच्छे से इसको ऐसे ढाक दूँगी। लड्डू बड़े छोटे अपने हिसाब से करिएगा, मैं बड़े बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे बना दिए हैं, ये लास्ट था तो सोचा आप लोगों को ये लास्ट भी दिखा दूँ। और इस पर डाल दिए हैं बादाम, पिस्ता और ये काजू। अब इसको अच्छे से भर के ये चांदी की वर्क लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे बन गए हैं। अब इसमें डाल दूंगी केसर के जो थे ना भिगा करके केसर, अब इसको ऐसे चिपका दूंगी। मैंने केसर लगा दिया, अब इसमें लगाऊंगी बादाम, इसी में बादाम लगाऊंगी, इसी में काजू लगाऊंगी और इसी में पिस्ता लगाऊंगी। मैंने लगा दिए सब पे काजू बादाम और पिस्ते। अब ये चांदी का वर्क का हाल देख रहे हैं आप लोग कैसा हो गया। अब इसको भी ऐसे लगाएंगे इस पर, चांदी का वर्क है ये, आधा टूट रहा आधा ऐसे, तो मैं इसको पूरा ऐसे रख के जितने पे लगेगा उतने पे लग जाएगा। अब ये लग जाएगा ऐसे, बेचारे कुछ अधूरे रह गए हैं, कुछ पूरे रह गए हैं, इनको ऐसे तोड़ तोड़ के लगाना पड़ रहा है। हमने जो बर्फी रखी थी, हाँ हो गई है ठंडी, निकाल लेते हैं फ्रिज में से। फ्रेंड्स ये हो गए हैं, अब मैं इसको प्लेट में ऐसे निकाल लूँगी और फिर हाथ की प्लेट की मदद से इसको ऐसे पलटी कर लेंगे और फिर इस पर लगाऊंगी मैं ये चांदी का वर्क। बहुत पतले होते हैं, हाथ पे चिपक गया, इसके लिए इसको ऐसे ही डाल दिया है मैंने और ऐसे फैला देंगे। क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, उंगलियों पे ही चिपक जाते हैं। अब इसको कोई भी शेप में आप काट सकते हैं,
मैं इसको बॉक्स टाइप में काटती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने डब्बे में भी कुछ डाल दिए हैं, कुछ प्लेट में भी लगा दिए, लग रहा है ना बाजार जैसा। और अब है लड्डू की बारी, लड्डू को भी डब्बे में डालूंगी और थोड़ा प्लेट में दिखाती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स अब लड्डू को हम डालेंगे डब्बे में। ये बहुत अच्छे बने हैं, ये दिवाली के स्पेशल बनाए हैं मैंने, नज़र में ध्यान में रखते हुए बनाए हैं कि हमारे घर में नानी दादी तो होते हैं, वो बेचारे कड़क लड्डू खा नहीं पाते, इसके लिए मैंने सूजी के बनाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी डब्बे में मैंने डाल दिए हैं लड्डू को, और इनको ऐसे प्लेट में रख दिया। ये बड़ा वाला लड्डू था, ये अलग सा लगा था, फिर भी मैंने इसको दिखाने के लिए रख दिया, इतना बड़ा है। और कैसा बना है आप लोग बताना। तो फ्रेंड्स ये मैंने डब्बे में भी डाल दिया, ये मैंने प्लेट में लगा दिया, ये बड़ा लड्डू है और इसको भी मैंने ऐसे प्लेट में सजाया, लड्डू और डब्बे में रखा। किसी को देना है तो ऐसे ढक्कन लगा के कि हमारा बर्फ डब्बे में ना छुपके, इसको ऐसे लगा के, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने पैक नहीं किया है, ऐसे ही कि आप हम ऐसे दे सकते हैं। और मैंने लड्डुओं को नज़र में ध्यान में रखते हुए इसलिए बनाया क्योंकि हमारे घर में बड़े बूढ़े सब होते हैं, कड़क लड्डू खा नहीं सकते, इसके लिए मैंने सूजी के बनाए हैं दिवाली स्पेशल। तो आप लोग बताना ज़रूर कि कैसा बनाए। तो फ्रेंड ये है हमारी रवे की बर्फी, ये हमारे लड्डू है रवे के। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसने अब तक के सना की प्यारी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपको। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये लड्डू कैसे बने हैं, दिखने में कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। और इतना कहूँगी कि ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, अपने बड़ों की इज्जत कीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। और एडवांस में कह रही हूँ सबको हैप्पी दिवाली, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।